अमेरिका अपना पेट्रोल को रखा है, निकालता नहीं है, यहीं से ले जाता है, कुवैत से, इराक से, और यहां से निकाल के और दूसरे देश को बेच देता है, लेके आ रहे चाहिए ले, नहीं देखते मद उतारने वाला, मद उतारता है रास्ते में बेच देता है, ले जाए वही से उनको मद बना दिया है, उतार के क्या कर रहा है, बेच रहा है। अभी उसकी नजर किस पे है, ईरान पे है। अगर ये भी चौपट हुआ तो हम लोग का पेट्रोल बिकेगा 150 रुपया। रखिएगा, अमेरिका उस देश को कभी पनपने नहीं देता है जिससे इसकी खटकते रहती है। ईरान बहुत समझदार है, कहता है कि अमेरिका गरिया रहा है सहलो, मार रहा है सहलो, जवाब मत दो तब तक जब तक परमाणु बम नहीं आ जाता। बवाल कर दो म्यांमार, भारत में मिलेगा। अब कोई ना कोई समझौता करेंगे तो समझौता कीजिए, कोको द्वीप भारत का होना चाहिए। म्यांमार कभी भी भारत के शत्रु देशों को अपने भूमि का उपयोग करने नहीं देगा, नाम नहीं लेना है, भारत के शत्रु देशों का जमीन का इस्तेमाल होने नहीं देना, तब समझौता होगा, यहाँ पे सब आ जाएगा ना। हमारा तो सोचा चुनाव में खाली चिल्लाना है, 6 महीने का लड़का के मार दिया तीर मुंह में, अब लेके चले आए, और जब दफनाए थे ना कबर में तो घोड़ा ले आके खान दिया था सब कबर को, लाश को इसे घोड़ा से, सीरिया वाला, समझ में आएगी नहीं। तो इतिहास गवाह है, जो ज्यादा उड़ा है ना बहुत आगे जाके पछताया, बहुत उड़ रहा था ना कौन सीरिया, अभी क्या हाल हो गया, चल गया। अब अवैत एक छोटा सा देश है, इसकी सीमा एक साइड में किससे लगती है, सऊदी अरब, और दूसरे साइड में किससे लगते हैं, दूसरे साइड में इराक से, ये ईरान से इसकी सीमा नहीं लगती है। यहां देखेंगे तो यहां पे भी क्या है, इराक है, कौन है, इराक है। इसकी सीमा ईरान से नहीं लगती है, इराक से लगती है, सऊदी अरब से लगती है, कौन देश, कुवैत, कुवैत। इससे कुवैत का जो जमीन है ना ढलान पे है, कैसा है, ढलान पे, और इराक की जमीन है थोड़ी हाइट पे। अगर कुवैत अपना पेट्रोल निकालेगा ना, कुवैत पेट्रोल, तो इराक का कुल डगर के चलाएगा, किधर की ओर, कुवैत की ओर। इसलिए इराक ने कुवैत से कहा कि तुम पेट्रोल मत निकालो, इराक ने किसे कहा, कुवैत से, अपना पेट्रोल मत निकालो, बल्कि हम ही से जितना जरूरत है ले लो, एक तरह से भी सही है बोला, हम ही से जितना जरूरत है ले लो। तो इराक ठीक ठाक दे रहा था, लेकिन कुवैत जो था ना वो अमीर था, इराक को कर्जा दिया हुआ था 34,000 करोड़ के आसपास। इराक का राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन सोचा कि छोट मोट देश है, इसको क्या करते हैं, कब्जा लेते हैं। इसमें अमरीका ने काम किया, उसने कुवैत का साथ नहीं दिया, वो जानता था कि कुवैत को बर्बाद करो पहले, उसके बाद मलहम पट्टी हमारे दुकान से बिकेगा, समझ में आ गया, गया पहले पिटवाओ किसको, कुवैत को, अब मलहम पट्टी कहां से बिकेगा। सद्दाम हुसैन बैल, हमला कर दिया किसके ऊपर, कुवैत के ऊपर, कुवैत छोटा सा देश, कुवैत को भाग भाग के कहां छुपना पड़ा, सऊदी अरब, कुवैत के राजा को कहां भागना पड़ा, सऊदी अरब। अमरीका का हम तुमको बचा लेंगे, कुवैत का ठीक है तो हम लड़ जाते हैं, कुवैत लड़ गया किससे, इराक से, इराक दो दिया कुवैत को, कुवैत भाग गया सऊदी अरब से, अमेरिका को कह रहा है कि काहे नहीं बचाने आए, आगे चाचा बढ़िया से पिटाएगा तब ना मलहम पट्टी ज्यादा बिकेगा, हाँ दो तीन झापड़ में कौन सी मलहम पट्टी बिकेगा। तो एक काम करते हैं यहाँ पे, और तगड़ा काम करते हैं, क्या करते हैं, और तगड़ा, पीटने दिया किसके, कुवैत को, इराक ने कुवैत को बर्बाद कर दिया, कुवैत को क्या कर दिया, बर्बाद कर, 15 दिन तक तबाह कर दिया। अमरीका 35 देश के साथ आया, इराक को बर्बाद कर दिया, कहा कि इधरों मलहम पट्टी बिकेगा, इधरों मलहम पट्टी बिकेगा। कुवैत को कहा कि तुमको 21 साल पे बचाएंगे, हमको आधा पेट्रोल दे दो अपना। कुवैत कहा कि ठीक है ले जाइए, कुवैत का पेट्रोल कौन निकालता है, अमरीका। और इराक को धो दिया, सद्दाम हुसैन को फांसी दिलवा दिया, सद्दाम हुसैन सुन्नी थे, वहां के सिया को दे दिया अमेरिका, और खुद साइड हो गया, सियाओं ने उनको क्या दे दिया, फांसी। अमेरिका का हम क्या किए, फांसी तो वहीं के लोगों ने दिया। अब वहां के किसी चलता फिरता आदमी को कहा सुन सुन सुन, सुन। राष्ट्रपति बनेगा, चल तो राष्ट्रपति बना देते हैं, कोनों को पकड़ के क्या कर दिया, राष्ट्रपति बना, और उससे कह दिया तुम्हारा आधा पेट्रोल हम ले जाएंगे, समझ गया, कुवैत का आधा पेट्रोल अमरीका, इराक का आधा पेट्रोल अमरीका। कुवैत को कहा हथियार खरीद लो, नहीं तो फिर मार देगा इराक, हथियारों बेचा कुवैत को। इराक का जो राष्ट्रपति थे उनसे कहा कि हथियार आप अमेरिका से खरीद दीजिए, तो अमेरिका से क्या खरीदवा दिया, हथियार। इतना लूटा यहां पर, इतना ज्यादा अत्याचार हुआ, इतना लूटा कि जब यहां से अमेरिका गया था तो अमेरिका के खिलाफ यहां पे जो सद्दाम हुसैन के सैनिक थे वो आगे जाके क्या बन गया, आईएसआईएस के आतंकवादी।
आईएसआईएस के क्या बन गए? आतंकवाद। और उसका खामियाजा आईएसआईएस, इस्लामिक स्टेट इन इराक एंड सीरिया। सीरिया की लड़ाई भी अमेरिका की देन, इराक की लड़ाई अमेरिका, कुवैत कुछ आया अमेरिका। समझा गया कि नहीं? लेकिन ये लोग आतंकवादी नहीं कहला सकते, बात समझिए इस चीज को। समझा गया कि नहीं? क्या आप किस तरह से बी एम, मेन होता है कि आपका स्ट्रेटेजी कैसा हो गया, उस हिसाब से कहलाएगा। कुछ हो गया इसको, जानो जानो दो, निकलो, चल जाओगी ना अपनी, देखना चल जाएगी नहीं। कल ये वो इसे जा रही थी, वो गिर गई। आगे समझे? तो इस्लामिक स्टेट इन इराक एंड सीरिया, ये क्या हो गया? एक आतंकवादी संगठन हो गया। इससे हमें क्या लगा? हम लोग को कुवैत से हमारी नौकरी गई, जो भारतीय काम कर रहे थे। इराक से जो नौकरी लगी थी वो गई, सीरिया से जो लगी थी वो गई। पेट्रोलियम हो गया महंगा, पूरा पेट्रोल हो गया महंगा। दुनिया में सबसे ज्यादा पेट्रोल वेनेजुएला के पास है, लेकिन वो किसी काम का नहीं है। उसके बाद अमेरिका के पास है, अमेरिका जो है वो निकालता नहीं है, पहले इन सारे देशों को बर्बाद कर देता है। अमेरिका अपना पेट्रोल को रखा है, निकालता नहीं है, यहीं से ले जाता है, कुवैत से, इराक से, और यहां से निकाल के और दूसरे देश को बेच देता है। लेके आ रहे चाहिए ले, नहीं देखते मौत उतारने वाला, मौत उतारता रास्ते में बेच देता है, ले जा, वही से उनको मौत बना दिया है। उतार के क्या कर रहा है? बेच रहा। अभी उसकी नजर किस पे है? ईरान पे है। अगर ये भी चौपट हुआ तो हम लोग का पेट्रोल बिकेगा 150 रुपया। समझ गया? इतना महंगा हो गया और हम लोग टुकुर टुकुर देख रहे हैं। इस दुनिया में याद रखिएगा, वही जी सकता है जो शक्तिशाली है। जहां भी अमेरिका पहुंचा वहां मारधार करना फिक्स है। वियतनाम पे 27 करोड़ बम गिरा दिया। देखिए, अगर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमला करके गिरा देना आतंकवादी था, बिल्कुल गलत नहीं कह सकते, उसको सही किसी का तो नहीं कह सकते, लेकिन अमेरिका भी तो दिख रहे हैं। 27 करोड़ बम तो केवल वियतनाम में गिरा दिया। कौन? अमेरिका जो है ना, किसी के ऊपर फंसा देता उल्टा सीधा केस में। सद्दाम हुसैन पे हमला कर दिया, कह दिया कि परमाणु बम रखा है, जैविक हथियार रखा है। कहां ना परमाणु बम मिला ना जैविक हथियार रखा। हमको सद्दाम हुसैन से क्या मतलब बनता है? मार दो उसको, इराक को छोड़ देते, हम लोग का पेट्रोल बच जाता, सस्ता मिलता, हम लोग के वहां लाखों लोग काम कर रहे थे उनको मिल जाता। अमेरिका यहां हथियार बेचा, तोप बेचा, टैंक बेचा, सब घटिया किस्म का बेच दिया और उसके बाद चल आया और वहां के लोगों को अस्थाई बर्बाद करके आया है। ये अंग्रेजों की एक चाल है, ये किसी चीज को अस्थाई बर्बाद करते हैं और हमेशा लड़ाई छोड़ देते हैं। पाकिस्तान का विभाजन अंग्रेज नहीं करते सब, तो क्या भारत वाला करने देते हैं? कितनों उघारे नाश्ता जिन्ना कोई करने देता, माउंट बेटन में ना किया। ये हमेशा जिस जगह पे जाते हैं उस जगह को क्या कर देते हैं? बर्बाद कर देते हैं। देखिए कैसे भागा सद्दाम अफगानिस्तान से, कभी अफगानिस्तान पनप पाएगा? लॉस किसको हुआ? हम लोग को हुआ। बताइए, कुवैत में लॉस हमको हुआ, इराक में हमको हुआ, सीरिया में हमें हुआ, यमन में हमें हुआ। हम लोग कुछ नहीं बोल पाते क्योंकि हम लोग को अमेरिका से क्या खरीदना है? हथियार खरीदना है। अमेरिका को पीट देंगे, $737 बिलियन उसका रक्षा बजट है, हम लोग का $53 बिलियन पीट देंगे। समझा गया? इस $53 बिलियन में $40 बिलियन केवल सैलरी और पेंशन में चल जाता है, यानी हथियार खरीदने के नाम पे आपके पास 13 बिलियन और उसके पास 737। बोलिए लड़ेंगे? ऑर्गेनाइजेशन बना के कोई लड़ने नहीं जाएगा। दुनिया में जो भी हथियार उड़ रहा है, चल रहा है, उसके पीछे या तो रूस का है या तो वो अमेरिका का है, दूसरा कोई देश नहीं आने वाला है। अब जैसे फ्रांस है तो छोट मोट लड़ाई जहाज में फ्रांस हो गया, जैसे मिराज हो गया, राफेल हो गया, ऐसे बड़े बड़े चीजों में कौन आता है? अमेरिका आता है, अमेरिका ही आता है, और उसमें भी फ्रांस वाले में भी उसका सॉफ्टवेयर अमेरिका से ही आता है। हमारे यहाँ जो भी जहाज उड़ रही है बोइंग कंपनी की उड़ रही है, ज्यादातर जहाजें किसकी है? बोइंग कंपनी। तो कौन जाता है अमेरिका से जुड़ाने? अमेरिका हमेशा लड़वाते रहता है। तो मिडिल ईस्ट की लड़ाई में याद रखिएगा, अमेरिका उस देश को कभी पनपने नहीं देता है जिससे इसकी खटकते रहती है। ईरान बहुत समझदार है, कहता है कि अमेरिका गरिया रहा है सह लो, मार रहा है सह लो, जवाब मत दो तब तक जब तक परमाणु बम नहीं आ जाता। जब तक परमाणु बम नहीं आ जाता है तब तक क्या कर लो? सह लो। यही काम किया उत्तरी कोरिया। उत्तरी कोरिया नाम सुने ना, पढ़ा दिए उत्तरी, इसने बना लिया परमाणु बम। अमेरिका को कहता है तू कुछ करके दिखा, कुछ भी करके दिखा, सबसे पहले मारेंगे जापान और दक्षिणी कोरिया को। अब अमेरिका तक मार करने वाला मिसाइल बना लिया,
और परमाणु बम आपके देश पे गिरा, आप कितना न्यूट्रलाइज करिए, गिरेगा तो नीचे में ना। परमाणु बम को मान के S-400 मार के गिरा दिए, गिरेगा तो नीचे में, उस वो तो प्रदूषण है। परमाणु बम क्या है? प्रदूषण। आगे आपके देश में तो चौपट करेगा। यही वजह है कि उत्तरी कोरिया का ये लोग कुछ नहीं कर पाते। और बताइए, भारत से कहता है सब कि आप भी परमाणु बम नहीं रख सकते हैं। नियम बनाया सब, CTBT। क्या बनाया? CTBT। कहा कि 1974 के बाद कोई भी परमाणु बम नहीं बना सकता। तो भारत का सक्सेस कहां हुआ था? भारत नहीं बना पाया। भारत का सक्सेस हुआ 1998 में यहां पे। तो CTBT बनाया सब। भारत कहता है कि परमाणु बम हम भी नहीं रखेंगे, अगर दुनिया में कोई रखेगा तो हम भी रखेंगे। नहीं समझेगा? लेकिन भारत एक गलती करता है। भारत कहता है कि जब तक हमारे ऊपर परमाणु बम से हमला नहीं होगा तब तक हम परमाणु बम नहीं चलाएंगे। इनडायरेक्टली आप उसी को धमका रहे हैं जिसके पास परमाणु बम है। तो कभी कभी शरीफ बनने के चक्कर में आदमी बदनाम हो जाता है। समझ रही हो? ज्यादा तेज बनने के चक्कर में आदमी कभी कभी चौपट हो जाता है। समझ आ रहा कि नहीं आ रहा? तो ज्यादा तेज आप भारत को क्या कभी ऐसा करना चाहिए? अरे भैया हमारे पास परमाणु बम है, सीधी सी बात, ये सब बोलने की क्या जरूरत है कि हमारे पे जब कोई परमाणु बम मारेंगे। आप बताइए श्रीलंका पे परमाणु बम मारेगा? आप कह रहे हैं हमारे पे कोई परमाणु बम मारेगा तो अमरीका कह रहा है इशारा में तू हम ही को कह रहा है, फ्रांस कहेगा इशारा में हम ही को कह रहा है। सीधा कहो कि हम परमाणु बम नहीं मारेंगे, सीधा सा बात, हम जरूरत पड़ेगा तो मारेंगे, सजा के थोड़े रखे के अर्घा में ले जाएंगे क्या छठ में? अजब हाल है, परमाणु बम को मारने के लिए ना रखे हैं, ये सब बोलने की क्या जरूरत है? उल्टे दुश्मनी ले रहा है यहाँ पे। तो यहाँ परमाणु बम ना, ईरान भी किस चक्कर में है परमाणु बम बनाने के, लेकिन वो परमाणु बम बनने नहीं देना चाहते हैं सब। यहाँ पे अमेरिका क्या करता है? रोक लगाता। इसके सेनापति को क्या कर दिया? मरवा दिया। मरवा दिया कि नहीं? कासिम सुलेमानी को। आप बताइए बाबू, हम लोग को भी म्यांमार के सेना प्रमुख को मरवा देना चाहिए कि नहीं? मरवा अमरीका, मरवा दिया। क्या कर लिया ईरान? तो क्या कर लेगा म्यांमार? कुछ नहीं कर सकता है यहाँ पे। समझ आएगी नहीं आएगा? और सीधा कह दो कि 1935 का अधिनियम खत्म होगा, भारत में विलय हो, हमसे बिना पूछे। और हकीकत में भी है, हमसे बिना पूछे अलग किया था म्यांमार को। पाकिस्तान में तो हम लोगों ने सहमति दी थी ना जी, म्यांमार में तो दिया नहीं था। बवाल कर दो म्यांमार भारत में मिलेगा। अब कोई ना कोई समझौता करेंगे तो समझौता कीजिए। कोको द्वीप भारत का होना चाहिए। म्यांमार कभी भी भारत के शत्रु देशों को अपने भूमि का उपयोग करने नहीं देगा। नाम नहीं लेना है, भारत के शत्रु देशों का जमीन का इस्तेमाल होने नहीं देना, तब समझौता होगा। यहाँ पे सब आ जाएगा ना। हमारा तो सोचो चुनाव में खाली चिल्लाना है। ये समझ में गया? ये देश कौन सा हो गया? इराक। इराक की राजधानी है बगदाद। इराक की राजधानी बगदाद। इराक की राजधानी बगदाद। इराक में पेट्रोलियम बहुत ज्यादा होता है। इराक की राजधानी क्या है? बगदाद है। अमेरिका बहुत खत्म आदमी है। अमेरिका खत्म आदमी है। उसके पास क्या चीज है? पैसा है। जिसके पास, जिसका डंडा ऊंचा उसका झंडा ऊंचा, जिसका डंडा छोटा उसका झंडा छोटा हो जाता है। अमेरिका जगह जगह घूम घूम के मार धार करता है। इराक की राजधानी क्या है? बगदाद। बगदाद के पास एक शहर है बेबीलोन। बगदाद के पास शहर का नाम क्या है? बेबीलोन। बगदाद का करीबी शहर का नाम है बेबीलोन। सिकंदर की मौत कहां हुई थी? बेबीलोन। झूलता बगीचा? बेबीलोन। झूलता बगीचा। करबला कहां पर है? बेबीलोन। करबला कहां है? बेबीलोन। इस्लामिक धर्म के हिसाब से जो मुहर्रम का त्योहार मनाते हैं लोग, वो करबला की याद में ही मनाते हैं। करबला के याद में ही मनाते हैं। देखिए, इस्लाम में राजा का पद नहीं है बल्कि चुने हुए धर्म गुरु यानी खलीफा का पद है। समझ में गया? खलीफा का पद है। चौथे खलीफा हजरत अली थे, ठीक है, हजरत अली। उनके जो चौथे खलीफा का नाम क्या था? हजरत अली। तो उनके बाद जो आए वो हसन और हुसैन, दो लोग आए। सीरिया का एक राजा था, नाम था उसका यजीद सिमर। या नाम क्या था उसका? यजीद। इस ससुरा कहता हम खलीफा। क्या कर रहा है? हम खलीफा। सेना लेके चला आया कहां पे? सऊदी अरब। कहां लेके चला आया? मक्का में। कहां लेके चला आया? मक्का। तो हजरत हुसैन और हसन जो थे लोग, ये लोग चाहते थे कि मक्का जैसे पवित्र जगह पे खून खराबा ना हो। तो ये अपने सारे अनुयायियों के साथ कहां चले गए थे? करबला में। कहां चले गए? करबला। करबला कहां है? इराक।
करबला कहाँ है? इराक में। तो ये जो यजीद था अपनी सेना लेके कहाँ चल दिया? करबला। और ये लोग लड़ाई के मूड में तो गए नहीं थे, धर्म गुरु लोग लड़ाई के मूड में जाता है, घेर लिया सब चारों ओर से, खाना पीना बंद कर दिया सब। इन लोग का 3 दिन का जो लड़का था उसको भी खाना पीना नहीं दिया, लो प्यासे मार दिया। लेके गए थे अपने 6 महीने के बेटे को कि इसको पानी दे दो, भूखा है प्यासा है, तो मुंह में तीर मार दिया सब, मुंह में तीर मार दिया। उसी की याद में मुस्लिम मुहर्रम मनाते हैं, और देखेंगे जंजीर से अपने को भी काट लेते हैं, संकेत के रूप में कि हम भी उस दर्द को एहसास कर सके। अब भाई किसी का धर्म है, हम उस पर कोई उंगली नहीं उठा रहे, जैसे जल्लीकट्टू हो गया या कोई वो कोई बुल फाइट कर रहा है, कोई मुहर्रम कर रहा है, इसमें हम टिप्पणी नहीं कर रहे, हम ये बता रहे हैं कि किस तरह से इतिहास में ये घटनाएं हुई हैं। तो जब धर्म देखिए, राम जी बनवास काटे कि नहीं काटे, ईसा मसीह को सूली चढ़ाया गया कि नहीं, और जिन हसन हुसैन जो लेके गए थे ना अपने बेटे को लेके, भाई इसको पानी दे दो, मोहम्मद साहब के नाती, हजरत हसन और हुसैन किसके नाती थे? मोहम्मद साहब, जिन्होंने इस्लाम 6 महीना के लड़का के मार दिया तीर मुंह में, अब लेके चले आए। और जब दफनाए थे ना कबर में, तो घोड़ा ले आके खान दिया था सब कबर को, लाश को इसे घोड़ा से, सीरिया वाला, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इतिहास गवाह है, जो जादे उड़ा है ना बहुत आगे जाके पछताया, बहुत उड़ रहा था ना कौन, सीरिया, अभी क्या हाल हो गया, चल गया। अब आप ये बात हम क्यों बोल रहे हैं आपको समझिए, अभी ये बहुत उड़ रहा है ना ये भी जाएगा, कुछ दिन पहले ये उड़ रहा था ना, दूगो पटकाया, चल गया कि नहीं चल गया? इतिहास का उसूल है। और कभी भी आप भारत को देखिएगा, ऐसा हम लोगों ने कभी नहीं किया है, हम लोग सांप को दूध पिलाए, हालांकि मरबो करते हैं उसको, समझेंगे, लेकिन यार एक चीज भी होना चाहिए यार, 3-6 महीने के लड़का को मुंह में तीर मार देना गलत नहीं है, ऐसा नहीं। महाभारत की लड़ाई से ज्यादा बड़ी लड़ाई हुई है, शाम ढलने के बाद वहां पे भी लड़ाई नहीं लड़ा, किसी महिला या किसी बच्चे पर एक भी हमले नहीं किया। तो कम से कम हम लोग शान से कहते हैं, सोच रहा हम लोग ऐसी संस्कृति में पैदा हुए जहां पर क्या हुआ इस टाइप की संस्कृति में। तो यहां पर देखिए करबला कहां पर है, कहां पर, ये बताओ, हम लोग को ईरान से कोनो लगाव है? अरे ईरान से बड़ी फायदा है, ईरान से हम पेट्रोल खरीदते हैं और पैसा नहीं देते हैं, सामान दे देते हैं, समझे? पैसा देने का मतलब, जैसे मान के चलिए हम उससे कोई पेट्रोल लिए और 100 रुपया दिए, तो हमारा 100 रुपया ना चला गया जी, और अगर हम उससे पेट्रोल लिए और कहें कि हेलो भाई 100 रुपया का सामान लो, तो सामानवा 100 रुपया का थोड़े होगा, तो 80 का होगा, वो तो बेच रहे थे ना 100 रुपया में, नहीं समझा? समझ आएगी नहीं सबको? कौन चीज समझी सब? बता लो क्या समझी? हाँ वेरी गुड, अब सब समझदार हो गए, 20% का फायदा हो गया, 20% का फायदा हो गया, करी थी कि सामान बेचारा है, हाँ 80% जोड़ देते तो और जान लेगी, 80% तब मुनाफा जोड़ना चाहिए। तो देखिए कभी भी पेमेंट देने की कोशिश नहीं कीजिए, ज्यादा फायदा किसमें होता है? एक्सचेंज में। ये बता बबुआ, ईरान अगर मराएगा हम लोग को लॉस होगा कि नहीं होगा? क्या मिला सीरिया से हमें, क्या मिला हम लोग को इराक से? कुछ नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला, और ही रोजगार गया, पेट्रोल महंगा हो गया, समझ में आ गया कि नहीं? तो ईरान को बचा के रखना जरूरी है, इसलिए अमेरिका का वक्त वक्त पर हम लोग घमंड तोड़ते रहते हैं, भारत वाला ना तनी से कोनो को दुखते ना उस पे से पैर डाल देता है, कोई बात नहीं गलती से पड़ गया है समझ आ गया ना? अमरीका का S-400 मत लो, तो ऐसे दाब दिया, अरे पहले ना ले लिए थे, पहले बोलना चाहिए, अब ना लेंगे हम समझ आ गया? राफेल किससे ले लिया? जगुआर जहाज किसे लिया? अमेरिका से, ब्रिटेन से, किसे लिया? ब्रिटेन से। अमेरिका कहते रह गया हमसे लड़ाकू जहाज खरीदो, नहीं लेना चाहिए। भारत की सबसे बड़ी बेवकूफी होगी जिस दिन अमेरिका से लड़ाकू जहाज खरीदेगा, क्योंकि लड़ाकू जहाजों में हर महीने कुछ ना कुछ कल पुर्जे में खराबी आती है, और खराबी आए या ना आए 1500 घंटा उड़ा दीजिएगा इंजन खत्म हो जाएगा उसका, 1500 घंटा उड़ा देंगे इंजन खत्म। भारत के 90% जहाजों के इंजन चेंज हो जाते हैं बिना युद्ध लड़े, हमारे ही नहीं दुनिया में इंजन खराब, इसीलिए ना युद्ध का हथियारों का बाजार बहुत जबरदस्त है। राफेल बेच दिया, फ्रांस को दिख रहा ना कि एक बार ना राफेल खरीदे हैं, और 2 साल पे इंजन बदलाएगा, इंजनवा गया तो बाकी जजिया में रहता कौन चाहिए, मेन तो इंजन है यहाँ पे, समझ रहा है? अमरीका से भारत कभी इंजन नहीं खरीदता है,
क्योंकि युद्ध के समय पे इंजन में नहीं देगा, चाहे रेट में बढ़ा देगा। तो भारत ऐसा ऐसा चीज खरीदता है जो बदलाने का जरूरत नहीं, हेलीकॉप्टर अपाचे वो में जल्दी चेंज नहीं होता, C-17 ग्लोब मास्टर सवारी ढोने वाला जहाज उसमें जल्दी खराब नहीं होता। अमेरिका कहता है चिनूक हेलीकॉप्टर अपाची तोप खरीदा है, तोप हेविटजर उसमें कुछ खराब होने वाला चीज नहीं है। अमेरिका कहता है ये सब काहे खरीद रहा है हमसे, हई ले ले F-16 जहाज का ना नहीं लेता है, तो पाकिस्तान को बेचा। अब देखिए भारत को क्या किया, अमरीका पे भरोसा करना मतलब बेवकूफ आदमी है। अमरीका ने पाकिस्तान को दिया F-16 जहाज, यह अमरीका पाकिस्तान का सबसे तगड़ा जहाज है, एकरे मार दिए थे अभिनंदन इसी को मार के कौन गिरा दिया था अभिनंदन अमरीका, उसको मार के गिरा था MiG-21, दुनिया का सबसे खराब जहाज है MiG-21, इससे मार के दुनिया का सबसे ज्यादा लड़ाई लड़ने वाला F-16 को मार के गिरा दिया, बाद में का इंजन खराब हो गया। अभिनंदन पायलट जो हमारे थे विंग कमांडर अभिनंदन, अगर उनका जहाज का इंजन फेल नहीं हुआ था, स्टाल पोजीशन में नहीं गया रहता तो वापस आ गया रहता पाकिस्तानी से, लेकिन इंजन फेल हो गया यहाँ पर क्या करेंगे। अब पाकिस्तानी खूब खुश है सर, कह रहा सर अभिनंदन को चाय पसंद आया, पता नहीं कौन ची के दूध का पिलाया था, देखते हैं चलिए ध्यान से देखिए। तो ये जो था बाबू यहां समझो ध्यान से, हम देख बाबू हम पाकिस्तानियों से इतना नफरत करते हैं कि अगर हम नींद में भी हमको कभी ख्याल आ जाता है तो फिर सो नहीं पाते हैं उस टाइम से, कसम बताते हैं। हम कभी अपने आप से पूछ दिया हम इतना ज्यादा नफरत क्यों, वहां हमारा इंसानियत भी मर जाता है, वहां हमें मारना रहेगा छोटे छोटे को कोनो मार दे सब जाए यहां पर सब खत्म हो यहां पर। यहां पे F-16 जहाज, अब भारत ने क्या किया, F-16 जहाज बनती थी अमेरिका में, उसका मजदूर एक दिन का किराया मांगता था 10,000 रुपए एक दिन का, हम यहाँ 400 में मजदूर मिल जाता है तो उसने देखा कि F-16 जहाज अगर इंडिया में बनेगा तो बहुत सस्ता बिकेगा, हमको प्रॉफिट आएगा, तो भारत ने उसका कारखाना बेंगलोर में लगा दिया। देखो यहां से बन के कहां जाएगा, पाकिस्तान में, उनमें कुछ पर इन्होंने कुछ सटा दे GPS सटा दो क्या जाता है नहीं समझे, कहां उड़ रहा है पता चलेगा, वही में कुछ सॉफ्टवेयर में वायरस अपलोड कर दो भेज दो समझना कि नहीं, उधरे भड़का दो, पहले मत बताओ युद्ध के समय बताओ, नहीं तो पहले से तैयार रहेगा सब चेक करा लेगा यहां पर। तो अमेरिका पे कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए। हम लोग ज्यादातर लड़ाकू कभी अमेरिका से जहाज खरीद के लाएंगे, अमेरिका चिल्लाते रह गया भारत से कि F-18 खरीद लो, समझना कि नहीं गया F-35 खरीद लो, नहीं लेता है भारत। F-35 को एक घंटा उड़ाने का खर्चा आता है 2 करोड़, एक घंटा उड़ेगा तो कितना खा जाएगा, कहा कि तो जैसे नहीं इतना महंगा जहाज हमको बेचेगा, युद्ध बिना हार जाएंगे हम तो बिना युद्ध लड़े हार जाएंगे, हम लोग का $53 बिलियन खर्चे ही तो जहाज का तेल पी के खत्म कर देगा अभी अमरीका किसके पीछे पड़ा है, ईरान, किसके पीछे, ईरान, ईरान की राजधानी क्या है, तेरा, अब ईरान को कल समझा देंगे।